Hello, dear aspirants. How are you all? I hope you're doing very, very, very well. And I uh, welcome you to another episode of Know Your Universities. तो इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाए हैं अंडर दिस नो योर यूनिवर्सिटीज़ हमने जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया है आई होप आपने वो वीडियोज़ चेकआउट किए होंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट फॉर यू जहां पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं एंड विच इज़ मोस्ट कन्वीनियंट फॉर यू एंड आज वी हैव हाँ ब्रॉट अनदर यूनिवर्सिटी जो कि ईस्ट इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है हम ईस्टर्न साइड में आप जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको डेली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जो नॉर्थ इंडिया दिल्ली के अंदर है और सेंट्रल इंडिया को कवर किया है हमने वी गॉड बाहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एंड एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी आज की जो है दैट इज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में बिलोंग uh, में है स्टैब्लिश्ड तो हम ईस्ट इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो जितने भी हमारे ईस्ट इंडियंस हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ये यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगी आप लोगों के लिए सो बिफोर वी गेट इन टू ऑल थिंग्स अबाउट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल उत्कर्ष वी टॉक अबाउट ऑल थिंग्स यू ई टी ओ भैया सो इफ दैट साउंडस गुड टू यू दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू राइट सो लेट्स गेट अ हेड एंड टॉक ऑल अबाउट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी तो आज हम किस किस चीज़ को कवर करने वाले हैं तो बेसिकली अगेन वी आर गोइंग टू लुक एट द हिस्ट्री एंड वी आर गोइंग टू लुक एट द कैंपस देन फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स इस यूनिवर्सिटी की फिर हम देखेंगे रैंकिंग एन आई आर एफ के थ्रू कौन सी रैंकिंग दी गई है इसे एंड एलिजिबिलिटी एंड कोर्सेज कौन से कौन से कोर्सेस ऑफर करती है वाया आस यू टी और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है एंड लास्टली प्लेसमेंट रिकॉर्ड बिकॉज ऑब्वियसली एन आई आर एफ रैंकिंग बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड होती है लेकिन मार्केट सनारियो हमें प्लेसमेंट से ही पता चलता है कि कौन सी कंपनीज वहां आ रही हैं और वहां पे एक्चुअली प्लेसमेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं राइट सो वी आर गेट गोइंग टू गेट इन टू ऑल ऑफ दैट सो स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी फॉर्मरली इट वॉज कॉल्ड अरुणाचल यूनिवर्सिटी अरुणाचल तो प्रदेश में है जैसा कि मैंने आपसे कहा तो इसका पहले नाम था अरुणाचल यूनिवर्सिटी इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और अगर कोई यूनिवर्सिटी इतने सालों से चलती आ रही है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वो अपने आप में उसने एक एक्सेलेंस डेफिनेटली अटेन करी होगी इतने सालों से अगर कोई यूनिवर्सिटी चल रही है तो दैट मीन्स उसकी उसकी वर्किंग बहुत अच्छी है उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है इसीलिए वो इतने टाइम से चल रही है इतनी uh, अपना उसने बना रखा है एक रुतबा बना रखा है और इट इज़ लोकेटेड एट रोनो हिल्स उन तो एक छोटा टाउन है अरुणाचल में द्वीमुख टाउन के बीच में यूनिवर्सिटी पड़ती है दूरी पर है एंडेशन स्टोन वॉज लेड बाईट लेड इन बाई इंदिरा गांधी फोर की यूनिवर्सिटी है काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी वॉज रीनेम्ड एज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इन टू थाउजेंड फाइव तो पहले ये अरुणाचल यूनिवर्सिटी थी ऑब्वियसली इसको टू थाउजेंड फाइव में न्यू नेम दिया गया था दिस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बाई सोनिया गांधी हु चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस एट दट टाइम ऑल राइट सो या इस यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस भी हैं कौन से कौन से इससे कॉलेजेटेड हैं लेट्स टॉक अबाउट दैट तो एज ऑफ 2020 uh, हम कह सकते हैं 36 और इनमें से कुछ कॉलेजेस पहले एक दूसरे यूनिवर्सिटी को अफिलियटेड थे तो देर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी इज अनदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ईस्ट इंडिया में लाई करती है पहले दो कॉलेजेस उसे अफिलियटेड थे लेकिन अब वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को अफिलियट हो चुके हैं विच आर विच कॉलेजेस जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो पासीघाट में है और देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज जो इटानगर में है सो आर टू कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम इसके खुद के जो कॉलेजेस हैं टोटल कितना हो जाता है 36 सिक्स कॉलेजेस हैं जो अफिलियटेड है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से तो काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये इट इज अ बिग यूनिवर्सिटी और राइट अब हम इसके फैकल्टीज की बात करते हैं कौन से कौन से डिपार्टमेंट है वहां पे कौन से फैकल्टीज वहां चल रही हैं तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट्स है हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है फूड टेक्नोलॉजी एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं कितने सारे इसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है प्लांट पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग तो आप में से जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं यू वॉन्ट टू गो फॉर एग्रीकल्चर एंड कोर्स रिलेटेड टू दैट यू हैव सो मेनी ऑप्शन इन दिस यूनिवर्सिटी उसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट है देर आर टू डिपार्टमेंट्स एजुकेशन तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी अगर किसी को साइकोलॉजी का कोर्स करना है या फिर बी करना है या फिर एम करना है फिर फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज तो लैंग्वेजेस में इंग्लिश है और हिंदी है हमारे पास दो ही लैंग्वेजेस हैं देन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस में भी काफी सारी चीजें हैं तो देर इज फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग तो काफी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है इस फील्ड के अंदर भी यहाँ पे देन वी हैव फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस सोशल साइंस के अंदर भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये लुक एट दैट एंथ्रोपोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री का पोलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी सोशल वर्क फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड लेट मी टेल यू अभी हम आगे कोर्सेज देखने वाले हैं बट एक बहुत अच्छा कोर्स करवाया जाता है यहाँ पे यूनिक कोर्स है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का तो जिसके प्लेसमेंट्स भी हुए हैं तो वी आर गोइंग टू लुक इन टू ऑल ऑफ दैट इन जस्ट अ मिनट फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टडीज है एक सो दीज आर द डिपार्टमेंट्स दैट आर कमिंग अंडर द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस देन वी हैव फैकल्टी ऑफ बेसिक साइंस जिसके अंदर तीन डिपार्टमेंट है मैथ्स का फिजिक्स का और केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट फिर एनवायरमेंटल साइंस के तीन दो डिपार्टमेंट्स है जियोग्राफी का डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी एंड डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी आफ्टर दैट लाइफ साइंस बायोलॉजी का अगर हम फील्ड देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी राइट तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स है इसके बाद हम आएंगे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का भी डिपार्टमेंट है कौन सा है एक तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दीज आर टू डिफरेंट फील्ड इन विच इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है जहां पे मास कम्युनिकेशन दर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन अंडर फैकल्टी ऑफ आईटी टी ओके तो so यूनिवर्सिटी की तो एफ के थ्रू दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने इसे 2021 में 101 से 150 के बैंड में इसे रैंक किया है तो अलग अलग बैंड होते हैं NIRF के टॉप हंड्रेड का फिर हंड्रेड टू समथिंग फिर हंड्रेड एंड वन टू समथिंग फिर टू हंड्रेड समून के बैंड में राजीव गांधी जो है, वो है 2021. तो बहुत की नहीं रही है बट इतनी बुरी नहीं है इट इज डिसेंट इट इज ओके मिडियोकर बट आप अभी देखेंगे सीयूईटी के थ्रू काफी कोर्सेज ऑफर होते हैं यहाँ पे और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स डिसेंट है तो अगर आप में से ऐसे बच्चे हैं जो एक तो ईस्टर्न ईस्ट इंडिया की तरफ रहते हैं आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से बेटर है तो आप इसे टारगेट कर सकते हो सी की रैंकिंग भी बहुत हाई नहीं जाएगी कट ऑफ तो अगर आपके मीडियम टू लो मार्क्स आए हैं आप यहाँ की काउंसलिंग फिल कर सकते हो एंड लास्टली अगर आप ऐसे आपको आपका एम ये है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है या फिर यू आर नॉट सो एडमिंट टू गेट इन टू जॉब राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन तो देन ऑल्सो यू कैन टारगेट दिस यूनिवर्सिटी आपके पास में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री आ जाएगी राइट right? ओके okay. तो अब हम इसके प्रोग्राम्स और एलिजिबिलिटी देखेंगे लेट्स लुक इन टू दैट तो फर्स्ट कोर्स है बी एस सी बॉटनी का तो बैचलर ऑफ साइंस है इन बॉटनी और देखिए यहाँ सबसे अच्छी बात है यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है एक तो ट्वेल्थ के अंदर कोई भी मिनिमम मार्क्स यहाँ पे मेंशन नहीं है कि 50 परसेंट फोर्टी परसेंट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए ऐसा कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं है सेकेंडली यहाँ पे जो कोर्सेज इनको सीयूटी में चाहिए जो मैपिंग करी गई है वो भी बहुत सिंपल और क्लियर है ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सब्जेक्ट uh, कॉम्बिनेशन दे दिए हैं कॉम्प्लिकेटेड सा है कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए जो आप टारगेट कर रहे हो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं बस और सिर्फ सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं जनरल टेस्ट भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है कि हर किसी कोर्स में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है नो no. तो एज यू कैन सी बी एस सी बॉटनी में बायोलॉजी और केमिस्ट्री दीज आर द टू सब्जेक्ट्स दे आर आस्किंग फॉर सी और वही टेन प्लस टू में भी होना चाहिए साइंस बायो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए इन योर टेन प्लस टू राइट ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग फॉर अ बायोलॉजी कोर्स दैट इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ओके फिर बीएससी में अगर आपको केमिस्ट्री में करनी है अगेन केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और ट्वेल्थ में भी आपका पीसीएम होना चाहिए ग्रुप राइट वेरी सिंपल देन अगर आपको बी एस सी फिजिक्स में करनी है सेम चीज है पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन 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 एज एज वेल योर योर स्टैंडर्ड एंड अगर आपको जूलॉजी में करनी है तो बायोलॉजी केमिस्ट्री है और पीसी बी होनी चाहिए आपकी ट्वेल्थ में अब बी ए के कोर्सेज हैं अगर आपको बी एंथ्रोपोलॉजी में करनी है इंग्लिश होना चाहिए लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट राइट बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं राइट वेरी वेरी सिंपल और टेन प्लस टू आपको arts, science, commerce, इन में से किसी में भी करी हुई होगी तो दैट दैट इज इज फाइन ओके बी ए इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो या तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए एंड जनरल टेस्ट दिया हुआ होना चाहिए एंड ट्वेल्थ के अंदर आपने इकोनॉमिक्स में या साइंस या कॉमर्स इन तीनों में से कोई भी स्ट्रीम रह सकती है आपकी राइट आर्ट्स विथ इकोनॉमिक्स या तो होनी चाहिए आर्ट्स आर्ट्स अगर आपने arts कर रखी है आपका सब्जेक्ट अगर इकोनॉमिक्स है यू कैन गो फॉर दिस इन इकोनॉमिक्स या फिर अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो यू कैन गो इफ आपने साइंस स्ट्रीम ली है तो यू कैन गो फॉर इट बी अगर आपको एजुकेशन में करनी है तो इंग्लिश इज द सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट आपने दिया होना चाहिए डेफिनेटली इन सी और टेन प्लस टू के अंदर आर्ट्स साइंस कॉमर्स एनीथिंग इज अलाउड Then B. A. अगर आपको इंग्लिश में करनी है सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इंग्लिश एंड जनरल कॉमर्स किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो यू कैन टारगेट दैट इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑल राइट फिर हम बात करेंगे बी ए जियोग्राफी में जियोग्राफी या जियोलॉजी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट ऑल राइट एंड आर्ट साइंस कॉमर्स यू कैन हैव इन योर ट्वेल्थ यहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली सबका यही है आर्ट्स साइंस कॉमर्स से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप बी ए के कित, कोई भी कोर्स कर सकते हो और राइट right. अगर आपको हिंदी में करनी है तो जैसे हमने इंग्लिश और जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन था यहाँ हिंदी और जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन है अगर आपको हिस्ट्री में करनी है तो आपका एक हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ में आपने जनरल टेस्ट दिया होना चाहिए राइट right? फिर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो बी के बहुत सारे कोर्सेस है बी के अंदर देर आर सो मेनी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हो मास कम्युनिकेशन में कर सकते हो सोशियोलॉजी में भी कर सकते हो बी ए राइट पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट मास कम्युनिकेशन के लिए जनरल टेस्ट नेसेसरी है आपको मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन या फिर इंग्लिश इनमें से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा ठीक है ये होना चाहिए या फिर अगर आपको सोशियोलॉजी करनी है तो सोशियोलॉजी या इंग्लिश और साथ में जनरल टेस्ट होना चाहिए फिर बी ए सोशल वर्क में भी होती है सोशियोलॉजी और सोशल वर्क आर डिफरेंट तो अगर आपको सोशल वर्क में करनी है जनरल टेस्ट इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज बीकॉम पे आ जाते हैं अब अगर आपको बीकॉम कॉमर्स ऑब्वियसली बीकॉम इन कॉमर्स इफ यू वॉन्ट टू डू यू कैन यू शुड हैव इंग्लिश यू शुड टेस्ट एंड थर्ड एनी वन डोमेन फ्रॉम द सब्जेक्ट फ्रॉम थ्री जीरो वन टू थ्री ट्वेंटी सेवन तो जितने सब्जेक्ट थ्री जीरो ट्वेंटी सेवन के अंडर फॉल कर रहे हैं उनसे आप मैपिंग कर लीजिए उनमें से कोई भी एक होना चाहिए ऑल राइट right? फिर अगर आपको बी एल एल भी करनी है फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स तो लीगल स्टडीज या इंग्लिश और जनरल टेस्ट दिस दिस इज द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दैट यू शुड हैव इन योर सी यू ई टी उसके बाद में बी ए बी एड करनी है ये फोर ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो फिर इंग्लिश जनरल टेस्ट और अगेन 301 से 327 में जो सी के सब्जेक्ट्स हैं आप मैपिंग करके देखिए उनमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए एनी वन फ्रॉम इट और राइट फिर बी एस सी करनी है अगर मैथमेटिक्स में तो मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स पीसीएम होना चाहिए और ट्वेल्थ में भी यहाँ पे पीसीएम ही होना चाहिए बी जियोलॉजी में करनी है तो यहाँ पे पी होना चाहिए अगेन यहाँ पे आपके पीसीएम ग्रुप होना चाहिए ट्वेल्थ एंड सी दोनों में ठीक है अब तक हम जो बी के कोर्सेज देख रहे थे उसमें आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों फील्ड से हो तो आप कर सकते हो ओके बी एस एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो पी भी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथ्स या एग्रीकल्चर साइंस फोर्थ सब्जेक्ट होना चाहिए ओके okay? मतलब पीसी बी तो होना ही चाहिए फोर्थ सब्जेक्ट आपका या तो मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर साइंस इनमें से कोई भी हो सकता है तो जो बच्चे पीसीएमबी वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं ट्वेल्थ के अंदर जिसमें वो अपना ऑप्शनल मैथ्स ले लेते हैं वो बीएससी इन एग्रीकल्चर को टारगेट कर सकते हैं एंड अगर किसी ने एग्रीकल्चर साइंस का सब्जेक्ट लिया है अगर आपके स्कूल में ऑफर हुआ हो तो ऑल्सो यू कैन टारगेट दिस ओके और आपके ट्वेल्थ के अंदर व साइंस विथ एनी थ्री आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ तो या फिर मैथ की जगह पे एग्रीकल्चर साइंस ओके इनमें से कोई तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बी सी ए जो है उसके लिए मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस ऑब्वियसली एक कंप्यूटर कोर्स है तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो या तो सी एस होना चाहिए या आई पी होना चाहिए जो ट्वेल्थ के अंदर होते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और जनरल टेस्ट आपने दिया होना चाहिए और राइट right? फिर अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ म्यूजिक ये उन लोगों के लिए है जिनका डिफरेंट इंटरेस्ट है थोड़ा और वो म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ म्यूजिक आप यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स होना चाहिए या फिर आपने जनरल टेस्ट दिया होना चाहिए पर मैं आपको बता दूं ये जो दो डिग्रीज हैं बैचलर ऑफ म्यूजिक की और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या तो फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स जिसमें कौन से कौन से आते हैं स्कल्पचर या फिर पेंटिंग या फिर कॉमर्शियल आर्ट्स और जनरल टेस्ट ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका इसमें टेन प्लस टू आपने आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से करी हो That is fine. लेकिन ये दो ऐसी डिग्रीज हैं जिनके लिए एक डोमिन टेस्ट होगा एक स्किल टेस्ट हो आप जब यहां पर जाएंगे तो वहां आपको कुछ परफॉर्म करके बताना होगा सो इफ यू आर टारगेटिंग दीज डिग्रीज यू डू हैव टू गेट रेडी फॉर अलस्ट ऑल्सो राइट तो ये कुछ कोर्सेस थे जो आर जी यू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वायासी तो एज वी हैव सीन काफी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है डिसेंट अमाउंट ऑफ कोर्सेज है हाँ बी का कोई कोर्स ये यूनिवर्सिटी नहीं ऑफर कर रही है वाया सी वो आपको जेई के थ्रू ही टारगेट करना होगा ओके right? okay. तो अब हम यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं आर के तो कितने बच्चे प्लेस हैं 2023 के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो देर आर 36 सिक्स स्टूडेंट प्लेसड ओके कितने बच्चे 21 में प्लेस हुए हैं इसका रिकॉर्ड नहीं है बट मीडियम पैकेज का हमें पता है तो अगर हम एक मास्टर्स डिग्री एम की बात करें तो यहां का मीडियम पैकेज 2021 में 4.2 लाख पर आनम गया है एंड 2023 में टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में इम्प्रूव हुआ है ठीक है ठीके? और अगर हम यूजी जी थ्री ईयर कोर्सेज की बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तो मीडियम पैकेज 3.25 लाख पर अनम गया था इन 2021 और इन 2023 3.5 लाख पर अनम गया है तो ये इंक्रीज ही हुआ है दोनों फील्ड में पीजी के प्लेसमेंट्स में भी और यूजी के प्लेसमेंट्स में भी देर द प्लेसमेंट रिकॉर्ड राइट उसके अलावा अगर हम यूजी के कुछ कोर्सेज की बात करें <clears throat> तो जो थ्री ईयर कोर्सेज है यानी कि बीसीए है बीएससी है और बीए है इनका एवरेज पैकेज 3.5 लाख पर एनम गया विच इज नॉट दैट बैड इट इज ओके इट इज इट इज अ डीसेंट पैकेज फिर डीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जो कि अपने आप में एक अनकन्वेंशनल फील्ड है उसका भी प्लेसमेंट हुआ है थ्री लाख ,00 पर एन का गया है ये बैचलर डिग्री है डू कीप इन माइंड एंड पी जी टू ईयर यानी कि एम ए एम बी ए एम एस सी इनके लिए पैकेज गया है फोर पॉइंट फाइव लाख पर एन और थ्री ईयर के जो कोर्सेज हैं पी के उसका फोर लाख ,00 पर एन का एवरेज पैकेज गया है सो इफ यूट कंपेयर देन टू का अगर हम कहें तो so, 2020 में बी का तो कोई कोर्स नहीं था बट पी का सबसे ज्यादा गया है उसके बाद में थ्री ईयर कोर्स पी जी टू ईयर कोर्स का सबसे हाईएस्ट पैकेज गया है उसके बाद में पीजी टू ईयर कोर्सेज का और लास्टली हम यू जी थ्री ईयर कोर्सेज का कहेंगे और ये तो बहुत जनरल बात है ही ना ऑब्वियसली पी के जो डिग्री है वो वेटेज ज्यादा रखेगी यू की डिग्री से दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग और अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी इंट्रोड्यूस हो गया था और उसका सबसे कम गया है इन कंपैरिजन टू पी जी टू ईयर कोर्स देन पी जी थ्री ईयर कोर्स एंड देन फाइनली यूजी कोर्स ओके एंड यहाँ पे अपने आप में इसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का जो पैकेज है 2.8 से 3 हो गया है एंड कमिंग ईयर में ये बेटर ही होगा तो ये 3 लाख पर एन फिर 4.5 लाख पर पी पीजी का गया है पीजी टू ईयर का पीजी थ्री ईयर का 4 लाख और फिर थ्री पॉइंट फाइव ऑफ यू जी थ्री ईयर अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी विच इज इन अरुणाचल प्रदेश ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया If you live in that geographical area, or if you want to go over there in some university, you can target this university. It is a decent university, and your medium to low range of scores in CUET can also uh, get admitted to this university. Thank you so much. I hope this video was beneficial for you all. But do stay tuned to our channel for information regarding all other universities. We are going to bring forth all kinds of universities for you. Thank you and keep hustling.